नमस्कार, आज तस्वीर सिंघू बॉर्डर की। ये तस्वीर आपको लुभाएगी, आपको रोमांचित करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि किसान आंदोलन की ये कैसी तस्वीर है। हालांकि एक महीना से अधिक हो गया, ऐसी तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। आसमान चू रहा है, धरती भीगी हुई है और हम खड़े हैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों के कैंप के पास। ये वो निहंग हैं जो पंजाब से आए हुए किसानों का साथ देने आए हैं। उनके घोड़े हैं, उनके तमाम जानवर हैं। ये मैं ख़ास तौर से ये बताने आया हूँ, समझने आया हूँ, दिखाने आया हूँ कि एक वाकया मैंने इतिहास में पढ़ा, वो ये कि अयोध्या मामले में जो पहला कोई गैर मुस्लिम आदमी विवादित परिसर में घुसा था तो कोई और नहीं, एक निहंग सिख था। और उसके बाद मंदिर मस्जिद की लड़ाई में सिख निहंगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इनफैक्ट जो पहली FIR दर्ज हुई थी उसमें एक सिख निहंग के खिलाफ ही दर्ज हुई थी। यहाँ पर निहंग सिखों के बारे में आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा है, वो ये कि ये लड़ाके लोग हैं, धर्म के लिए, धर्म के रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह के कई घोड़े हैं, उनके अपने निशान हैं और ये किसान आंदोलन की एक अलग तस्वीर है। घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है और जब मैं ये कह रहा हूँ कि कड़कड़ाती सर्द में, जब आसमान चू रहा हो, धरती गीली हो गई हो, आप अपने घरों में रजाई में दुबक कर बैठे हों, उस समय एक तस्वीर की कल्पना कीजिए जहाँ पर तमाम कनात भीग गए, बिछावन और ओढ़ने के सामान भीग गए, लकड़ी का अलाव जो शरीर को गर्माने के लिए, तपिश देने के लिए जो रखा हुआ था वो भी कुछ गीला हो गया। सरकार के साथ साथ मानो भगवान भी परीक्षा ले रहे हों इन किसानों की। और जब आंदोलन की शुरुआत में मैं किसानों से बात करता था, किसान ये कहते थे कि हम भले मर जाएं, इन तीनों कानूनों के को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी हम लौट कर नहीं जाएंगे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस आंदोलन में किसानों की मौत भी होगी। एक एक कर कई किसान शहीद हो गए, कोई टिकरी बॉर्डर पर, कोई इस सिंघू बॉर्डर पर, कोई गाजीपुर बॉर्डर पर। तो ये पीड़ा है और मैं तो ये कहता हूँ कि किसान आंदोलन का ये करुण काल है। अगर आप बात करना चाहें तो एक दो सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे। मैंने अपनी बातें कह ली, मुझे लगता है आ जाइए, थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दीजिए। हाँ जी, हम पंजाब से आए हैं, लेकिन जो निहंग सिंह फौजा हैं उनके साथ आए, हम किसान भी हैं, किसानी भी कर रहे हैं, लेकिन बाणा पहनिया होने करके वो कालपुर की फौज हैं जो गुरु गोबिंद सिंह ने साजी है, क्योंकि जबर ते जुल्म दे विरुद्ध लड़ना साडा फर्ज है। तो असी जिन्ना चेर साडे सवास हन, जिन्ना चेर साडा कोई फैसला नहीं हो जाता इन्हां मंगां दे बारे च, ना कि कल्लियां तीन मंगां भी नहीं साडियां हैगियां, ये एक लोगों के ये सरकार वालों किया जबर जुल्म अते जो धक्के इंसाफ बेइंसाफियां हुई हैं उन्होंने प्रति एक समूहक प्रतिक्रम है, जो ये सारिया खालसा फौजा जां सारा पंजाब साडा एक पासे आ गया है, जो है तो आ करके हम जो है ये अपनी मांगे जो है मनवा करके जाएंगे, भावें हमारी जान जाए तो जाए, कोई परवाह नहीं। एक बात, मैं जब आया हूँ इस बारिश के समय में, ठंड है, बारिश है, लोग कहते नहीं है जुबान से, लेकिन दिक्कत दिख रही है।
परेशानी दिख रही है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है। तो आप क्या महसूस करें, कितनी दिक्कत हो रही है? पता नहीं क्या बात है, किसी को लगता है दिक्कत होगी, लेकिन हमें जो ठंड की बात है ना, वो ठंड ठुंड जमा ही नहीं है, हमें जो गर्मी लग रही है अंदर से, पता नहीं क्या बात है। आंदोलन की गर्मी है अंदर, वो एनर्जी है हमारे साथ है जो चल रही है, उसी के साथ ही हम भी चल रहे हैं, क्योंकि वो कालपुरख हमारे साथ है, जो वैगुरु है वो हमारी सहायता कर रहा है, इस करके ठंड ठुंड नहीं लगती है हमें कुछ। अन्याय की, आपके हिसाब से अन्याय के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उससे में बाकी छोटे छोटे बाकी जो दर्द होते हैं छोटे लगने लगते हैं। हाँ जी, जब जीतेगी जंग तो फिर तो आप ही लगेगा, जीत के किनारे ही खड़े हुए हैं, हम जीत करके जाएंगे, क्योंकि जो मालिक हैं मजबूत इरादियां दे, वो रात तफाना दे डक देंदे, आप अपने बल ना लई दे, हाकम मंगिया कदे नहीं हक देंदे। एक बड़ी इन्होंने एक बात कही, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ इन्होंने बात कही कि हम जीत के किनारे खड़े हैं। ये एक उम्मीद है किसानों के मन में, किसान प्रदर्शनकारियों के मन में, आंदोलनकारियों के मन में, कि सरकार उनकी बात मान ही लेगी, और जब सरकार किसानों की बात मान लेगी तो ये किसान खुशी खुशी अपने खेतों में लौटेंगे, और वो तस्वीर खूबसूरत होगी, क्योंकि सीमा पर जवान और खेतों में किसान शोभा देते हैं। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, सिंघू बॉर्डर।